स्टूडेंट चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे R1, R2 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ऐसे R1, R2, R3 तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा उसको आप लोग सॉल्व करते जाइए। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन सा पैरेलल में है। सीरीज किसको बोलेंगे, पहले वाले रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट सेकंड वाले के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और अगर दोनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट एक जगह और सेकेंड पॉइंट एक जगह है तो क्या कहलाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है नाम दे दिया R1, R2, R3, R4 और R5 ऐसा नाम दे दिए। तो R1 का सेकेंड वाला R2 के फर्स्ट से कनेक्टेड है, यानी ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यानी ये जो सर्किट है यहाँ पर, ये जो 1 प्लस 1 2 ओम हुआ, पहले से यहाँ पर कितना है R3 इक्वल टू 2 ओम है, ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 ओम आया, और यहाँ पर ये कितना ओम है, 1 ओम, और इधर भी 1 ओम कनेक्टेड है ए और बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया, 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1 ओम। तो R इक्वल टू हो गया 1 ओम, यानी हम लोग यहां पर ये जो सर्किट है इसको हटा के एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना, जिस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे उसको वहां से रिमूव कर देना और उसका जो आंसर आएगा वहां पे पुट कर देना। जैसे ये दोनों को सॉल्व किए 1 ओम आया तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 1 ओम। अब देखो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये 1 ओम किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस R का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको R डैश नाम दे दिया, इक्वल टू 3 ओम। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जो भी दो रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस सॉल्व होते हैं उसको रिमूव करके उसके जगह सिंगल रेजिस्टेंस जो भी आंसर आता है उसको पुट करते जाना है। जैसे अब यहां पर सेकंड को देखते हैं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में नाम दे दिए R1, R2 और R3। ये R2 A और B के बीच हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये दिख रहा है R2 और R3 पैरेलल में है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्मिनल एक जगह है, सेकंड टर्मिनल एक जगह है। तो उस पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, यानी 2 बाय 2 यानी कितना हो गया 1। तो R इक्वल टू हो गया 1 ओम, यानी ये जो है इसको हम लोग हटाके अब क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं, कितने ओम का, 1 ओम का, ये पॉइंट भी था। अब ये 1 ओम और 1 ओम किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। तो टोटल जो आंसर आएगा वो कितना हो गया, 1 प्लस 1, सीरीज को ऐड कर दिए, इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। देखिए यहां पे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है, सीरीज में ये नहीं है क्योंकि बीच में ये वायर आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों भी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अगर ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहते तो ये सब किस में रहते, सीरीज में रहते। तो चलो ये पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, इसको सी और ऐसे डी नाम दे दो। तो ये ए बी
सी डी, इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करेंगे। चलो ये सी और यहां पॉइंट ये हो गया ए, ये सी डी। देखो ए और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस है, वन रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, थ्री ओम का। ए और सी के बीच वन रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, थ्री ओम का। सी और डी के बीच भी वन रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, थ्री ओम का। डी और बी के बीच भी सिंगल रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, थ्री ओम का। बी और सी, देखो यहां पे ए और डी, सॉरी ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ए और डी ऐसे कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बी और सी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये देखो इसमें बताओ ये सब किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, किसको बोलते हैं सीरीज, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से अगले के, फिर उसका सेकंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट पॉइंट से, ऐसा इसमें है क्या, नहीं है। पैरेलल में क्या होगा, सबका फर्स्ट पॉइंट एक जगह और सेकंड पॉइंट एक जगह। देखो यहां पे ये इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, तीनों का फर्स्ट पॉइंट देखो एक ही जगह कनेक्टेड है, इधर इधर इधर। सेकंड पॉइंट भी एक जगह कनेक्टेड है, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं ए और बी, ये हो गया ए और सी ऐसा कनेक्टेड है। फिर देखो इसका भी ये ए पे कनेक्टेड है और ये सी सेकंड टर्मिनल सी से, यहां भी फर्स्ट पॉइंट है ए से कनेक्टेड, सेकेंड पॉइंट है बी से कनेक्टेड, ठीक है, सी और बी कनेक्टेड है। तो ये थ्री ओम थ्री ओम थ्री ओम, ये क्लियर हुआ कि नहीं। देखो यहां पर ये वन फर्स्ट, सबका फर्स्ट पॉइंट एक जगह है, इसको मैं यहीं पर ऐसा कर सकता हूं, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। तो अब यही तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, इसी को मैं सिंप्लीफाइड कर दिया। तो पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 थ्री है, 1 अपॉन r2 भी थ्री, 1 अपॉन r3 भी थ्री, यानी थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू 1 ओम, तो r का वैल्यू आ गया 1 ओम। तो इस टाइप से हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट को सॉल्व करते जाना है।